आदरणीय डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज आप सबको आंग्ल नववर्ष की भी बधाई, लोहड़ी मकर संक्रांति की भी बधाई और आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं इसके लिए हम लोग आपके हृदय से आभारी हैं। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है, आज बहुत अच्छा मुहूर्त भी है और इस शुभ मुहूर्त में हमारे पास एक माता सरस्वती के रूप में डॉक्टर माधुरी बर्थवाल उपस्थित हुई हैं। और वैसे मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप यहाँ पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं रतूड़ी जी से अनुरोध करूंगी कि पुष्प गुच्छ से उनका स्वागत करें। डॉक्टर माधुरी बर्थवाल को आप सभी लोग जानते हैं और आप किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं, फिर भी एक छोटा सा परिचय मैं देना चाहती हूँ। यहाँ पे आपका पैतृक गांव और ससुराल दोनों जनपद पौड़ी गढ़वाल में स्थित हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा लैंसडाउन में हुई, उच्च शिक्षा और PhD इत्यादि आगरा रुहेलखंड गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रयाग संगीत समिति से आपने संगीत में बहुत सारी शिक्षा प्राप्त की। आप संगीत अध्यापिका के रूप में GIC लैंसडाउन और कोटद्वार से आपने अपनी संगीत यात्रा एक तरह से शुरू की और प्रसार भारती आकाशवाणी नजीबाबाद की प्रथम महिला संयोजक का कीर्तिमान आपके नाम है। आपकी उपलब्धियों की सूची इतनी लंबी है कि अगर हम पढ़ते जाएंगे तो रात हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ वो सब। आपको अनेक सम्मानों में मुख्य रूप से राष्ट्रपति जी द्वारा प्रदत्त पद्मश्री पुरस्कार 2021, साथ ही उत्तराखंड गौरव सम्मान 2023, उत्तराखंड रत्न 2014, उत्तराखंड भूषण 2018 एवं नारी शक्ति पुरस्कार 2018। फुलवारी की ओर से आपका हार्दिक आभार कि आपने इतने व्यस्त कार्यक्रम में से समय हम सबके लिए निकाला और आज आपकी सुंदर पुस्तक पर यहाँ पर चर्चा होगी। आपका बहुत स्वागत है मैम। अब मैं ललित मोहन रयाल जी का स्वागत करना चाहती हूँ। रयाल जी, आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। रयाल जी को आप सभी जानते हैं, यहाँ पर फुलवारी में उनकी पुस्तक पर पहले चर्चा भी हो चुकी है। मैं अनिल रतूड़ी जी से अनुरोध करती हूँ आप उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। आप एक बहुत सफल IAS अधिकारी के साथ साथ बहुत लोकप्रिय लेखक भी हैं। आपकी प्रकाशित कृतियों में खड़क माफी की स्मृतियों से अथश्री प्रयाग कथा कारी तू कभी न हारी, इस पे फुलवारी में चर्चा भी हुई थी और चाकरी चतुरंग, ये आपकी मुख्य पुस्तकें हैं। रयाल जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। अब मैं मुख्य जो आयोजक और फुलवारी के प्रेरक अनिल रतूड़ी जी से अनुरोध करूंगी कि अपना स्थान ग्रहण करें और अब जो मैम की पुस्तक है मांगल पे जो आपने लिखी है, बहुत ही सुंदर पुस्तक, इस पे चर्चा प्रारंभ की जाएगी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी रतूड़ी जी से कि अब माइक की जिम्मेदारी आप संभालेंगे। धन्यवाद। आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी, यहाँ उपस्थित हमारे दूसरे जो डिस्कसेंट हैं आदरणीय श्री रयाल जी, देवियों और सज्जनों, आज फुलवारी के इस सत्र में हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे मध्य एक ऐसी शख्सियत हैं जो संगीत की, जिस जो हम कहें कि सरस्वती की वाणी जिनको मिली है और जो हमारे, वैसे तो संगीत का कोई क्षेत्र नहीं होता, कोई रीजन नहीं होती, वो एक मानवीय समाज के समग्र चीज़ है। और चाहे अमेरिका में भी आप गढ़वाली का मांगल गाएं या अमेरिका का कोई फोक गीत यहाँ गाएं, तो हृदय में वो प्रवेश करेगा उसी तरीके से। लेकिन हमारे विशेष तौर से अगर जो हम देखें तो गढ़वाल की और उत्तराखंड की जो संगीत है और जो संस्कृति है, उसकी धरोहर हैं हमारे मध्य डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी। और ये बड़े सौभाग्य की और मैं कहूँगा एक सुखद बात है कि उनका नाम भी मधुर से माधुरी ही है, जो मतलब नाम भी उसी प्रकार का है। तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, श्री रयाल जी का स्वागत करता हूँ। आज जैसा अभी राधा जी ने आपसे वार्ता में बताया, आज हम लोग डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी की जो पुस्तक है
वो गढ़वाल के संस्कार जो गीत हैं, मांगल ये पुस्तक है जिसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। मैं कहूँगा ये पुस्तक बहुत शोध से लिखी गई है, बहुत शोध इसमें मैंने थोड़ा इसका प्रयास किया पढ़ने का, और मैं संगीत का कोई बहुत बड़ा कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना मैंने देखा इसको, इसमें एक बहुत जीवन का मैं कहूँगा शोध है, एक अध्ययन है, और एक बहुत अच्छी पुस्तक मांगल के बारे में लिखी गई है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा ज़रा एक बार लेखक के लिए और उनके लिए ताली फिर से बजाने का कष्ट करेंगे। जो मांगल शब्द है, वैसे हम लोग जो यहाँ गढ़वाल के लोग हैं या कुमाऊँ के लोग हैं वो तो इसको जानते हैं, लेकिन आम तौर पर जो हमारी सनातन संस्कृति में मंगल का जो अर्थ है वो सभी लोग उससे वाकिफ हैं, और बल्कि कोई भी मंत्र शुरू होता है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज, वहीं से शुरू होता है वो। तो जो मंगल का अर्थ है वो उसी से मतलब उसका है। और इस पुस्तक में जो 338 पृष्ठ की पुस्तक है, और इसको शब्द संस्कृति प्रकाशन देहरादून द्वारा 2022 में प्रकाशित हुई है, जो गढ़वाल के या उत्तराखंड के जो विभिन्न जो कर्मकांड हैं या ऐसे जो शुभ अवसर हैं उनसे संबंधित जो मांगल गीते, हर चीज़ का जो, जैसे आप लोग हम सब जानते हैं कि लोक संगीत में एक समाज की पीढ़ी दर पीढ़ी शताब्दियों से मिलेनियम से मैं कहूँगा जो अनुभव है एक किसी भूगोल में किसी भौगोलिक क्षेत्र का ज्योग्राफी में जहाँ जो मनुष्य का अनुभव है समाज का, वो स्वतः उसके जो उसका एक प्रकार से रिफाइन होके वो धीरे धीरे उसकी लोक संस्कृति में आता चला जाता है, और ये उस प्रकार के गीत हैं। और इसमें एक और बात ये है कि यद्यपि ये लोक संगीत है, इसमें क्योंकि एक बहुत ही संस्कृताइज्ड समाज था या है मैं कहूँगा उत्तराखंड का, हम लोग सभी जानते हैं कि देव भूमि इसको कहते हैं, और अगर जो हम देखें एक नज़रिए से जो सनातन संस्कृति है वो पूरे देश में और विश्व में है, लेकिन उसका सबसे महत्वपूर्ण आधार जो है वो गंगा है, और गंगा का उद्गम स्थान जो है वो उत्तराखंड में है। तो ना गंगा होती तो ना शायद सनातन संस्कृति होती, और उत्तराखंड में उस गंगा का उद्गम स्थल है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ संस्कृताइज्ड जो वैदिक जो मंत्र हैं या वैदिक जो संस्कृति है वो उनका समावेश स्वतः ही जो हमारे मांगल हैं उसमें एक प्रकार से, एक तो वो रीजनल है क्षेत्रीय है कि भाई वो गढ़वाल और उत्तराखंड से संबंधित है, और दूसरा उसमें एक मैक्रो जो देशव्यापी हमारी सनातन संस्कृति जो वैदिक संस्कृति है उन दोनों का एक साथ समावेश उसमें है। जन्म नामकरण चूड़ाकर्म यज्ञोपवीत विवाह न्योता बान कन्यावर पक्ष दोनों के मांगल स्नान श्रृंगार वस्त्र आभूषण पहनना न्योतेर जो न्योतेर है या बारात का जाना या जो बारात आती तो परिहास कुछ वहाँ मतलब एक कहेंगे गाली जो एक मधुर किस्म की जो एक रेपार्टी बोलते हैं जो उसको अंग्रेजी में, वो भी उसके भी गीत, और वेदी बनाने के समय फेरे लेने के कन्यादान गौदान विदाई। और इसमें हम और आप सभी वाकिफ हैं कि त्रियुगी नारायण जी का यहाँ मंदिर है, और उसमें पार्वती जी और शिव जी का विवाह भी वहाँ हुआ था, उसके भी इसमें पाणिग्रह का आपने पूरा उसमें ब्यौरा दिया हुआ है। एक टंकों का ब्याह जो टकों का ब्याह जो हिंदू जो उसमें पहले एक ब्राइड प्राइस होती थी, एक ज़माना ऐसा था कि पहले ये दहेज से पहले जब महिला एक प्रकार से ये मानी जाती थी कि ये एक इकोनॉमिक एसेट है, हाँ तो उस ज़माने में ये था। अब हालांकि ये इसका कंटिन्यूएंस कम हो गया है,
उसके बारे में भी है, गृह प्रवेश, इस प्रकार के तमाम जो गीत हैं उन पे शोध ही, केवल गीत ही नहीं बल्कि उसकी जो स्वर लिपि है, जो नोटेशन है, हम लोग वाकिफ हैं कि जो भारतीय जो शास्त्रीय संगीत था उसमें नोटेशन का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, पिछले 200 साल में ही आया है। उससे पहले हमारे ख्याल कंठस्थ जो ओरल ट्रेडिशन था वही था, पश्चिम का जो क्लासिकल म्यूज़िक है या वो, उसमें नोटेशन का कॉन्सेप्ट है। तो आपने इन गीतों का, शब्दों का शोध करके क्षेत्रीय जो भेद भी हैं उसमें, चाहे वो कर्णप्रयाग हो या चमोली के हों या आपके पौड़ी के हों और जौनसार बाबर के हों, उनके सबके गीत के साथ साथ स्वर लिपि भी, जो नोटेशंस हैं वो भी साथ में दिए हैं। तो मैं इस एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन से एक और भी ये बात मैं कहना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं रयाल जी से अनुरोध करूँ कि वो प्रथम, हम जैसे जो फॉर्मेट है, पहले हम लोग आधा घंटा करीब आपसे चर्चा करेंगे, बीच में कुछ संगीत के भी अवसर रहेंगे और फिर आप सबसे भी मुखातिब होंगी, ऐसा अवसर जब आप अपने जो भी आपकी जिज्ञासाएँ हों उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। एक चीज़ ये है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे साहित्यकार और ऐसे लोग बैठे हैं जो साहित्य में, शब्दों में वो में रुचि रखते हैं, साहित्य में हम लोग जब शुरू करते हैं तो एक तो हमारी अपनी संस्कृति में ऋग्वेद में भी जो मंत्र हैं उनका उच्चारण, उनकी लय, उनके जो संगीतमय, सामवेद में उसको संगीतमय किया गया, क्योंकि अगर जो वो सही लय में या सही उच्चारण से नहीं बोले जाएंगे तो ये था कि नहीं माना जाएगा कि ये सही, इसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरा इसमें भी उसका वर्णन है कि जो सृष्टि की रचना है उसी समय मृदंगम की जो है रचना हो गई थी, जो मृदंग जो हमारा एक वाद यंत्र है, और जो पहला एक प्रकार से जो मनुष्य की, अगर जो मैं अंग्रेजी का कुछ प्रयोग कर लूँ, क्योस से ऑर्डर जब आया, क्योस से ऑर्डर आया, जब इग्नोरेंस से, अंधकार से कुछ प्रकाश या ज्ञान का प्रकाश आया, तो वो ओम से आया, पहला जो शब्द था वो भी उद्गीत है, वो भी उद्गीत है, और वो एक प्रकार से संगीत का ही उसमें रस है। तो जब हम कोई साहित्य लिखते हैं तो शब्द का प्रयोग करते हैं, और शब्द का प्रयोग करने के बाद हम गद्य लिखते हैं, जब और भावनाएं या विचार उससे जटिल हो जाते हैं तो हम पद में जाते हैं। जैसा यहाँ आज राम विनय जी अभी हैं नहीं, वो कहते साहब कविता में व्यंजना है और अर्थ जो है वो पुस्तक के बाहर चला जाता है, क्योंकि उसमें केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसको सुनना पड़ेगा, उसको डिक्लेम करना पड़ेगा, उसको ओरली बोलना पड़ेगा, तब उसकी जो सारी जो विभिन्न उसमें चीज़ें हैं, चाहे रूपक हैं या उसका जो संगीत है वो सुनाई देगा, और तब उससे कुछ अर्थ आप निकालेंगे। और आखिरी में हम पहुंचते हैं जब और ज़्यादा जटिल हो जाता है विचार को अभिव्यक्त करना, तो हम संगीत पर पहुंचते हैं, और संगीत मानव की जो सबसे जटिल, मैं कहूँगा, अभिव्यक्ति का साधन है, जब बहुत ऐसा मनुष्य पहुंच जाता है, और यही हमें, जितना चैतन्य हम में बढ़ता है हम बाकी जीवों से भिन्न इसीलिए हैं क्योंकि मानव के अंदर ये सब क्षमताएँ हैं, और इसीलिए सरस्वती के हमारे यहाँ उनकी अनुयायी जो बैठी हैं आज, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इस सेशन को आपके साथ कर रहे हैं। मैं इस थोड़ा सा लंबे इंट्रोडक्शन के साथ मैं अनुरोध करूंगा श्री रयाल से कि वो जरा पहला प्रश्न या ऑब्जर्वेशन जो भी आप कहना चाहें चर्चा को आगे बढ़ाएं। मैम नमस्कार, आपको आकाशवाणी में और नरेंद्र सिंह मेजी जी के साथ आपका जो डुएट था बसंती स्याही वो अभी तक याद है। तो ये जो मंगल गीत है, मानव गायन है, ये हमारे गढ़वाल में तो जो ब्राइड और ग्रूम है उनसे जोड़े हो लक्ष्मी नारायण गौरा जी
या सिया राम, इन भावों में अलग अलग स्टेजेस में उनको उस हिसाब से उसी विवाह की परंपरा में मान्यता देते हैं। इसी के समतुल्य कुमाऊं में शगुनाकर चलते हैं और उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश बिहार में सोहर गाया जाता है। तो मैम आपका तो बड़ा व्यापक अनुभव रहा है आकाशवाणी में, प्रयाग संगीत समिति में, तो इन चीजों में आपने क्या कॉमन फैक्ट्स देखे, थोड़ा बहुत जो वेरिएशन देखे क्षेत्रीयता के लिहाज से, उनसे मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हम लोग का। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इतना सुंदर जगह और इतनी सुंदर, मतलब मैं क्या बोलूँ, एक मंदिर के रूप में ही मैं देख रही हूँ और फुलवारी के बीच में प्रकृति की गोद में या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकृति के रूप में मुझे बैठाया हुआ है और यहाँ पर मेरे को सौभाग्य दिया है कि यहाँ पर बैठूँ मैं, तो सबसे बड़ा तो उपलब्धि मेरे लिए यही है आज के, और इतने सारे स्वजन मेरे यहाँ पर पधारे हुए हैं, तो सबका आभार व्यक्त करती हूँ मैं। अब आती हूँ मैं, जो आपने एक प्रश्न किया है, संगीत जो होता है उसकी कोई सीमा रेखा नहीं होती, और गाना रोना सबको आता है, कोई दहाड़ मार के रोता है, कोई फुसफुस आके रोता है, कोई कैसे रोता है, लेकिन सबको आता है, और वैसे ही गाना भी आता है सबको, कोई सुरीला गाता है, कोई नहीं गा पाता, लेकिन अंतरात्मा सबकी गाती है। तो इसमें यह है कि क्षेत्र विशेष में हर 3 किलोमीटर पर पानी और वाणी बदल जाती है, तो उसको व्यक्त करने का तरीका भी बदल जाता है। अब उत्तराखंड में तो ये है कि प्रकृति का ऐसा अनुपम छटा शायद कहीं मिलेगी, हर चीज़ है यहाँ, पहाड़ भी है, नदी भी है, मैदान भी है, हर चीज़ है, हर एक। मेरी दादी जी बोलती थी कि यहाँ जो होता है ना 12 महीनों में 12 ऋतुएँ होती हैं। मैं बोलती थी कि 12 ऋतुओं क्यों बोलती होंगी, लेकिन गुणनफल करना जब होता है इंसान के मन में तो वो गुणनफल करते रहता है, और मैं देखती हूँ कि यहाँ तो ऐसे हो रहा है मौसम और वहाँ बर्फ़ पड़ रही होगी, तो वही है कि हमारा उत्तराखंड है ये, तो प्रकृति की गोद में है, तो स्वाभाविक रूप से 12 ही ऋतुएँ होती हैं। कोई तो छलांगे मार मार के वो कर रहा होगा जहाँ धूप निकल रही होगी तेज और कहीं बेचारे अंदर दुबक रखे होंगे, तो वो भी है। तो और फिर व्यक्त करने का तरीका भी अलग अलग होता है। अब यहाँ पर प्रकृति ने हर चीज़ दी है, तो इंसान प्रकृति से ही सीखता है। अब सूरज भगवान जी हैं, मैंने उनसे भी सीखा है, सबको आगे बढ़ाओ और उनको एक, उनके लिए एक रास्ता बनाओ, तुम खुद पीछे हो गए बादल, चलो आगे बढ़ो, अरे कोहरा हाँ तू भी आगे बढ़ो, बारिश हो रही इंद्रदेव तुम भी बरसो भाई। और जब परेशान हो जाता आदमी तो कहता है सूर्यदेव कब निकलोगे तुम, फिर तब उनको निकलना पड़ता है, ऐसा होता है। तो वही गुरु भी होता है, एक गुरु भी वही होता है, और एक बड़ी बहन जो अपने घर की होती है वो भी वही होती है, माँ के बाद दूसरा दर्जा उसी का होता है, और माँ भी वैसी ही होती है, परिवार में जो बुजुर्ग होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं, जाओ तुम आगे बढ़ो और हम पीछे, आशीर्वाद है हमारा, ऐसा होता है। तो जब प्रकृति की गोद में हम लोग रहे हैं तो हर चीज़ प्रकृति से ही सीखता है इंसान, तो इसलिए यहाँ पर हर चीज़ है। और मांगल लोकगीत, अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए उत्तराखंड का जो भाषा है कितनी समृद्ध है, ये भाषा मुझे तो बहुत समृद्ध लगती है, क्योंकि मैंने और जगह भी जाने का मौका मिला, लेकिन जितना यहाँ मुझे रोज़ कुछ सीखने को मिलता है शायद ही कहीं होगा। अब मांगल है, अगर हम मांगल बोलते हैं मांगल, तो मांगल मतलब मांगेगा, अर्थ फर्क हो गया। अगर हमने मांगल बोला, मांगल ल बोलो, इनको मैं जाने कितनी बार मैंने इनको हड़काया होगा, ल बोलो, ल ल ल ल ल बोलो, डाली डाली, अरे वो डाली डाली नहीं, डाली बोलो, डाली, मांगल बोलो, मांगल,
मांगल नहीं बोलना, मांगल मने मांगेगा। क्या मांगलो, क्या मांगल, अरे मांगल आहा, जिनमें मंगल कामना होती है वो है मांगल लोकगीत। तो एक तो समृद्धि यहीं पर ही हो गई। दूसरी चीज ये है, और जगह जब मैं जा गई, नजीबाबाद में रहने का सौभाग्य मिला, तो वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। तो मैंने देखा कि वो धुन लगभग एक जैसी होती, सबकी धुन एक ही जैसी होती, सोहर गाओ या क्या है ना। और फिर जो है उत्तराखंड में जो है कई धुने हैं। अगर आप चमोली गढ़वाल में चले जाओ तो क्या है, देवो गणपति की पैतुली सरोना, पैतुली तेरी सरबसी मुन्यावा, देवो गणपति की गैठूड़ी सरोना, गैठूड़ी तेरी आड़ूसी हटेली। अब देखियो, और वही जो है हमारा जो जस देना खोली का गणेश, जो जस देना मोरी को नारेणा। और फिर वही कुमावन चल जाओ, गणपति नहाइले धोइले हिलबंदित पैरिले कुमकुमा कस्तूरी परिमलांग पैरिले। अब ये देखो कोई फर्क, थोड़ा फर्क है, अलग अलग क्षेत्र में जरा जरा फर्क है, धुन में भी और शब्दों में भी, और जगह आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो कितनी समृद्ध है हमारी संस्कृति, है ना। अब उसी में जो है, क्योंकि ये संस्कृति कहाँ से मिली हमें, प्रकृति से, ईश्वर से प्राप्त हुई है। देवभूमि ऐसे ही थोड़ा कहा गया है, चला चला देवताओं जी झामा को देशन की भूमि जी झामा को आसुदा हुए ग्याई जी झामा को, चला चला देवताओं जी झामा को उतरा खूंट जोला जी झामा को, उतरा खूंट भूमि जी झामा को पवित्र बतूनी जी झामा को, पवित्र बतूनी जी झामा को। कि सब जगह जब देवताओं को अशुद्ध सुनाई दिखाई दिया, अब कहाँ जाएं कहाँ जाएं कहाँ जाएं, तो उन्होंने कहा उत्तराखंड चलो, उत्तराखंड में चलो, वही भूमि पवित्र भूमि है। तब हरिद्वार से उन्होंने आना शुरू करा, और उसके बाद तब ये जो है, तो देवताओं ने ही हमको सब कुछ सिखाया। तो मांगल भी उनका ही है, वेदवाणी ही मांगल में उकेरी गई है। बहुत अच्छे, मैं बहुत ही, आपने महसूस किया होगा, आप जो आज हमारी शख्सियत हैं, आपने शास्त्रीय संगीत भी सीखा है और उसको सिखाया भी है, और लोक संगीत तो खैर आपने शोध के ही अपने गाने के अलावा, आप बहुत छोटी उम्र में ही आपने संगीत भी सीखा, और बहुत छोटी उम्र में जिस विद्यालय में आप सीखती थी वहीं आप अध्यापक भी बन गई, ये भी एक बड़ी कमाल की बात है। मेरा प्रश्न आपसे ये है, क्योंकि आप एक तो संगीत के क्षेत्र में हैं, महिला हैं, और एक ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ पहले तो महिला पढ़ती भी नहीं थी, संगीत तो बहुत दूर की बात है, और वो भी औपचारिक संस्कृत उसकी शास्त्रीय संगीत की का प्रशिक्षण लेना, तो आप एक प्रकार से
एक पूरी पीढ़ी और एक एक अभियान की ध्वजवाहक हैं एक प्रकार से। और बहुत बहुत सारी महिलाएं न केवल इस क्षेत्र की बल्कि देश दुनिया में उनके लिए आप प्रेरणा की स्रोत हैं। और ये जिस मुकाम पर आप आज पहुंची हैं, आज आपका इतना नाम है और आपके आपका अपना ज्ञान तो खैर है ही, ये जो आपका संघर्ष है कोई आसान काम नहीं है यहाँ तक पहुँचना। और ऐसे समाज में, संसार में जहाँ जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है उसमें आपको इस प्रकार से यहाँ तक पहुँच पाना, ये एक बहुत, मैं कहूँगा असंभव तो नहीं है लेकिन बहुत ही कठिन जैसे रास्ते पर आप चली हैं, तो थोड़ा सा इस पर अपना प्रकाश आप डालना चाहेंगे। अब वो दिन, तो अगर वो दिन नहीं होते ना मेरे साथ, तो मैं जब कभी भी कोई काम से, मतलब मैं सोचती हूँ अभी थोड़ी देर बात करूँगी, फिर मुझे वो दिन याद आ जाते, तो फिर मैं उठ के चलो नहीं आगे चलो, ऐसा हो जाता है। अब ये देखिए कि सबसे पहला पुरस्कार मेरे को मिला 2.5 साल की जब मैं थी, और पिताजी के साथ मैं या देवी सर्वभूतेषु अग्नि रूपेण, ये ऐसे करके मतलब उनके साथ ही गाते रहती थी जब वो ये पाठ करते थे दुर्गा सप्तशती का, तो मैं गुनगुनाती रहती थी उनके साथ। तो फिर हमारे यहाँ लैंस्टोन में डुगडुगी पीटी एक, और डुगडुगी पीटने में तो वहाँ पर बताया गया कि 5 साल तक के बच्चों को वहाँ पर ले आओ नरेंद्र क्लब में। तो पिताजी मेरे को भी ले गए कि गाती तो ये भी है पर पता नहीं कैसे गाएगी, सिखा लेंगे कोई इसको, तो मेरे को ले गए। अतः उन्होंने मेरे को चयन कर लिया, और तब उसके बाद मैंने, मेरे को बधाई बनाया उन्होंने राधा, और मैंने कौन सा गाया, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए, ये वाला उस समय बहुत प्रसिद्ध था। तो फिर मैं राधा बनी, फिर एक लड़की और थी माधुरी भदौला, उनका नाम भी माधुरी भदौला, बड़ी थी मुझसे, तो उनको कृष्ण वो बनाया कृष्ण। और तब हम उसमें, तब हम फर्स्ट आए, उत्तर प्रदेश था उस समय, उत्तर प्रदेश में फर्स्ट आए, और तब इतना बड़ा इनाम मिला हमको। तब उसके बाद उसी समय मेरा एडमिशन करवा दिया गया, अरे उस लड़की को लाओ जिस जो फर्स्ट आई है, चलो स्कूल में भर्ती करो। और तब स्कूल में गढ़देवा रीजनल रैली कुछ भी हो रहा था तो वहीं जाती थी फिर मैं, मेरा डांस के लिए, मतलब फूली गे छो देना नारायणा ए गुचे तो मैणा का फुआ बासण बैगो बैणा मेरी बैणा ए गुचे तो मैणा कसी छाई जुली मेरी। लागी छो नाराई कशी सुरमाई भैंसी पुशुली बिराई ढूंढ की चातुरी कैसी ढूंढ की चातुरी कैसी मालुशाई देना न रैणा ए गुचे तो मैणा। और इसमें फर्स्ट आई मैं, स्टेट लेवल पर फर्स्ट आई। और उसके बाद जैसे घर आई, पिताजी ने कहा कि बेटा अब गाना भी नहीं है और स्टेज पर भी नहीं जाना। ओ तब पिताजी मेरे को ले जाते थे, बोलते थे किसी को मत बोलना तू कहाँ जा रही है। तो मैं घर के नीचे भी नहीं गई, घर के मतलब गेल वहाँ जो बच्चे खेलते थे वहाँ भी नहीं गई मैं, क्योंकि मेरे से कोई बोलेगा कि तू कहाँ जाती है तो मैं कैसे बोलूँगी झूठ। पिताजी बोलते थे एक झूठ कभी मत बोलना, और एक ये बोलते थे तुलसी कर पर कर करो करतर कर न करो जा दिन करतर कर करो ता दिन मरण करो, ऐसे ऊपर से हाथ डालो पर नीचे मांगो मत किसी से, ये भी उन्होंने मेरे को सिखाया। और उनकी बातें मेरे को बहुत याद आती हैं। तो तब झूठ नहीं बोलना, तो मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कैसे झूठ बोलूँगी फिर, तो इसलिए मैं जाती नहीं थी। और ढैपुर हमारे यहाँ होता है, ढैपुर एक जगह जहाँ पांडा बोलते हैं, जहाँ वो रखता है सामान, वहाँ रात भर, वहाँ सुबह 4 बजे से और 6 बजे 6:30 बजे तक रियाज करती थी, उसके बाद स्कूल जाती थी, स्कूल से घर आई, घर में फिर होमवर्क करा, होमवर्क के बाद वो करा, फिर बैठ जाती थी ऊपर, अब 12 बजे रात तक, सुबह 4 बजे से 12 बजे रात तक। तो वही मेरी दिनचर्या आज तक भी है, ना खाने से प्रेम, ना सोने से प्रेम, ना किसी चीज़ से प्रेम, बस एक सूत्री कार्यक्रम मुझे रियाज करना है, रो करना है। और फिर उसी जब मैंने हाई स्कूल करा तो फिर मैंने अपनी स्कूल में संगीत टीचर बन के आ गई, मैंने उस समय 6th ईयर कर लिया था क्लासिकल म्यूजिक में 6th ईयर, और फिर अपनी स्कूल में जो है टीचर बन के जब आई मैं, तो साड़ी पहन के जब स्कूल जा रही थी तो हमारे मोहल्ले के बोल रहे ये कग जानी है लिया मधु,
है? अब बाहर जो आ चुकी हूँ कि स्कूल एड्रेस बदल गया क्या? ओ ड्रामा हूँ वो ड्रामा, हाँ ड्रामा मैं जानी वेलता क्या कहना आई अरे तब फिर जब पता लगा अरे ना भाई मास्टर नहीं बन गया बालवा मास्टर नहीं हाई स्कूल के बाद भी कोई मास्टर नहीं बन दा अरे बल गान बजाना का मास्टर नहीं बल गान बजाना मास्टर नहीं भी उनको ही हाँ तब पता लगा उन्होंने कि संगीत भी कोई टीचर होती है संगीत गाना बजाना भी विषय होता है और तब अपने बच्चों तभी बाबा यूं तभी सीखा बाबा यूं तभी सीखा तो हूणी जाओ और तब फिर जो है और ये भी है कि ईश्वर जो होता है ना अगर किसी का किसी को मार्गदर्शन करता है या किसी को कोई काम सौंपता है शायद मेरा जन्म इसीलिए हुआ होगा और मेरे को इसमें कोई वो भी नहीं है क्योंकि बचपन से मेरे साथ एक ही चीज़ है बस संगीत मुझे शूटिंग भी बहुत पसंद थी वो भी नहीं करा एक साधे सब सदे मेरे गुरुजी बोलते थे एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए एक तरफ रहो दोनों नाव में पैर नहीं रखना अगर तुमको एक एक रास्ता मिल गया तो तुम सारे रास्ते बना सकते हो तो वैसे ही एक ही रास्ता चुना फिर मैंने और फिर उसमें क्या होता है ईश्वर किसी के मुँह में कुवाणी भी बोल देता है कुवाणी भी बरसा देता है जैसे केकई माता के मुँह में हुआ संसार के भले के लिए तो मेरे ताऊ जी ने भी वही कुवाणी उन्होंने मेरे सामने बोली अपने उस पर जा रहे थे वो ये वन विभाग में सर्विस करते थे वहाँ जा रहे थे तो सबके हाथ में उन्होंने चवन्नी अठन्नी ऐसे रखी और मेरे हाथ में रखा एक आना छोटी थी मैं 4 साल की और मुझ आना रखते हुए कह रहे मैं यार भाई तो बिटले बिटल होना थे ना तो क्यों गद्यू गद्यू मैं विवाह दया लो मेरा पर बेटता मास्टर नहीं बनौल मतलब मेरे भाई की लड़कियाँ लड़कियाँ हो रही हैं वो इधर उधर गधेरों में ब्याह कर देगा उनका और मैं अपनी लड़की को मास्टर नहीं बनाऊँगा और ये बोला उन्होंने मेरे हाथ में एक आना रखते रखते और फिर मेरे को ऐसा लगा कि हैं मेरे पिताजी मेरी शादी कर देंगे क्या और फिर वो एक आना उनकी सीढ़ी में रखा मैंने और रेस लगा के अपने घर गई अपनी माँ मेरी माँ किचन में बैठी थी माँ तुम मेरी शादी तो नहीं करोगी अब 4 साल का बच्चा अपने माँ से पूछ रहा है तो पागल तो होगी माँ बोली क्या हो गया इसको तुम मेरी शादी तो नहीं करोगी तो माँ ने कहा कि क्या करना चाहती है तू फिर वो समझ गई किसी ने कुछ बोला होगा इससे तो उनने कहा क्या करना चाहती है मैंने कहा मास्टर नहीं बनूंगी तो मास्टर नहीं बनने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा अगर फेल हो गई तो ब्याह करना पड़ेगा और पढ़ती रहेगी तो मास्टर नहीं बनेगी तो वो भी शौक भी था और खौफ भी था तो दोनों ही चीज़ें थी मेरे साथ शौक संगीत में था और खौफ उसका था कि अगर फेल हो गई तो ब्याह हो जाएगा और 12 साल में मेरे लिए रिश्ता आ गया 12 साल की थी वहाँ से पैदल आ रही थी अपने गांव जा रही थी तब तक नाना जी मिले उन्होंने कहा इसका जन्म पत्री भेज देना अरे भैया मैंने कहा तुम झूठ क्यों बोलते हो मेरे साथ तुमने बोला शादी नहीं करूँगी मैं फेल भी नहीं हुई तुम क्यों करे उसने कहा कि पिताजी जाने भाई मैं बाद में बात करूँगी मैंने कहा मुझे करनी नहीं है शादी उसके बाद हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा आम का पेड़ है अभी भी है मैंने उसको धन्यवाद करा अब गई थी मैंने कहा तूने मेरा जीवन सुधार दिया उस पेड़ के ऊपर रुपये सुबह 5 बजे बैठ जाती थी मैं और इतने सारे पत्थर भी ले गई और बुनाई के लिए एक बुनाई भी ले गई मैं और एक स्वेटर मैंने बुनी 7 दिन तक मैं अनशन में बैठी हुई थी उस पेड़ के ऊपर अगर कोई मुझे बुलाने आएगा तो पत्थर मारूंगी बहुत ज़ोर से और फिर मैंने कहा मुझे शादी नहीं करनी सुबह चली जाती थी 5 बजे और शाम को 5 बजे क्योंकि मेरे माँ मुझसे ज़्यादा नहीं वो डर की मारे ना कभी कुछ ना हो जाए इसे तो इसलिए ज़्यादा मुझसे बोलती नहीं थी और तब तक मेरे ताऊ जी आए 7 दिन के बाद और उन्होंने कहा वो हमारे यहाँ पूजा करने आए थे तो उन्होंने कहा कि बेटा माँ ने सब बता दिया होगा उन्होंने मेरे से कहा बेटा तम्बाकू का गधार थी ना मैंने कहा अलमारी के अंदर है कि मुझे नहीं मिल रहा तू आ तब मैं गई फिर नीचे और उन्होंने सबको बुलाया हुआ था जैसे नीचे आएगी इसके मुँह में डाल देना खाना मर जाएगी वैसे भी ना और तब फिर उन्होंने मेरे को खाना खिला दिया तब मुझसे कहा कि तू फिक्र मत कर मैं तेरे साथ हूँ मैं तेरे पिताजी को समझाऊँगा ठीक है और ऐसे भी हुआ कि मैं जब मेरे से बड़े 2 भाई थे वो ख़त्म हो गए जब तो मेरे पिताजी इतना डर गए तो उन्होंने मेरे को नागा बाबा की झोली में डाला और उससे खरीदा नागा बाबा की झोली में से भी खरीदा उन्होंने मेरे को डाल करके हो सकता है उनका भी गुण आ गया होगा तपस्या लीन होने का या वैसा होने का एक सूत्री कार्यक्रम करने का वो भी हो सकता है मैं उसमें कोई वो नहीं कर सकती तो तब फिर जो है तब वही नागा बाबा लहसुन में गई मैं तो हम लोग बैठे थे माँ से उन्होंने कहा कि बेटा मुझे चाय पिला दे जरा तो माँ ने चाय पिलाई उन्होंने कहा सब ठीक ठाक है कि हाँ जी ठीक ठाक है पर बाबा ये शादी क्यों नहीं करती
उन्होंने कहा कि देखो इसके साथ जिद मत करना वरना सन्यास ले लेगी, तुम तो डोला भेजोगे इसको, ये सन्यासी बन के भाग जाएगी, और इसके साथ जिद मत करना, और शादी होने की होगी, अपने आप होगी जब होनी होगी, चिंता मत करो। तो माँ को थोड़ा वो हुआ, पिताजी भी किस तरह से मेरा साथ दिया, तो कितना उन्होंने झेला होगा, कभी सोचती हूँ ना कि कितना मैंने उनको कितना तंग करा, पर क्या करूँ, आज उन्हीं के प्रताप है मैं यहाँ तक पहुँची, उन्होंने मेरे को सहा। सहन शक्ति भी तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। और फिर आकाशवाणी नजीबाबाद में गई तो उसमें भी भारत की पहली महिला वहाँ पर म्यूज़िक डायरेक्टर बनी, और उस ज़माने में कोई नहीं होता था, पुरुष वर्ग ही था म्यूज़िक डायरेक्टर, और यही मैंने देखा। और संगीत की भी पहली महिला टीचर बनी गढ़वाली, और तब ये दो छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं आप यहाँ पर तो ये जो थे 5-6 साल के थे, 5-6 साल के, दोनों आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। ट्विन्स हैं ये तो, हाँ। श्री शिवरंजनी डबराल और श्री रंजनी डबराल, ये दो बेटियाँ हैं। अब इन्होंने क्या करा कि ये 5-6 साल की थी तो मेरी बहन की बेटियां हैं नहीं, तो वो मेरे पास आई, कहने लगी दीदी मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा क्या हो गया तेरे को, पागल हो गई क्या, परेशान हो गई हर समय, मैंने कहा रोती रहती। तब कहने लगी कि ये दोनों ने मुझे बहुत तंग कर दिया, इतनी लड़ाई होती रहती इनमें, क्या बताऊँ। अरे मैंने कहा पढ़ाई में लगाना उनको, एक दूसरे से डिस्कस करते रहेंगे उसी दिन निकल जाए, पढ़ाई क्या कर रहा हूँ, 97% मार्क्स ला रही हैं, अब क्या करूँ मैं। मैंने कहा इधर ला फिर इनको, फिर मैं इनको ले गई। और एक संतोष दास अनुरागी हैं यहाँ हरिद्वार में शांति कुंज में, तो वो पखावज वादक हैं, हर कोई नहीं होता पखावज वादक, तो उनके पास मैं इसको ले गई। मैंने कहा संतोष भाई देख तेरे लिए दो फूल लाई हूँ मैं। कहने लगी फूल दीदी आप क्यों मेरे को वो कर रही हो, लज्जित कर रही हो। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया तुझे। कहने लगी नहीं फूल तो मेरे को आपके चरणों में चढ़ाने चाहिए, आप उल्टा मेरे लिए ला रही हो। मैंने कहा वो वाले फूल नहीं, ये वाले फूल, इनको मैंने कहा पखावज सिखा। कि हैं इतना बड़ा पखावदर कैसे बनाएंगी ये। मैंने कहा जैसे बजाएंगी बजा लेंगी, तो रह दो। आज वो बच्चे एमए कर चुके पखावद में, शास्त्रीय संगीत में, है ना। अभी आपको तब देर में सुनवाई, हाँ तब मैंने देखा कि हमारे जो लोक संगीत है उसमें इतनी ताकत है कि कोई भी वाद्य हो उसको वो उसमें वो पीछे नहीं रहेंगे। ऐसे ऐसे लोकगीत हैं कि 11 मात्रा में निबद्ध हैं। अब कोई शास्त्रीय संगीत का यहाँ पर हो तो शायद उनको पता होगा 11 मात्रा में निबद्ध है, उसको बोलते हैं रुद्रताल। वो हर किसी की बस की बात नहीं है, वो केवल पखावज की ताल है, और वो जो है भगवान शंकर को अर्पित है वो लोकगीत। अब कितना चमत्कार है बताइए, ये देवभूमि है, इसका चमत्कार देखिए कि पखावज की ताल में और भगवान रुद्र को ही वो लोकगीत अर्पित है, और वो ये पखावज की रुद्रताल में बजाया जा, वो उसमें अवस्थित है 11 मात्रा की। तो ये सब आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद। अभी रतूड़ी सर ने आपसे टक्कों के ब्याह के बारे में उल्लेख आया था, तो यहाँ पर वधु मूल्य की प्रथा पहले रही है, और कुछ घोर परंपरावादी परिवार अभी भी हैं सर जो बोल रहे कि हम तो फालतू नियम उन सब रुपया खान और वहाँ के अलावा योग और प्रकार के छ प्रतिमा विवाह जोला बॉर्डर पर लड़ाई लगी था, छोटी नी मिनी तो एक फोटो दगड़ फेरा वाली या करस दगड़ जान या घट विवाह करस विवाह जो आठ मंगल या सात मंगल या वंशा तो वे तो तोस करनो तो पहली ये वंशा। तो अब इसमें एक सहज जिज्ञासा है मैम कि एक टकोक ब्योग मांगल आप तो कट बटे मिल टकों को ब्याह जो चे यो वग्यों में यो चमोली उत्तर चमोली साइड में तो वक भी बहुत कुछ जो परंपरा छ ना वक बहुत च और पौड़ी में वो जीवित च और जो मतलब मांगल लोकगीतों में बाकी हर जगह जो छिन्ना मांगल लोकगीत कोई नहीं गान मतलब वो गने न जो ढोल माग वादक छ वही गने है ना कि जो छ जो जस देना खोली का गणेश वही गने है ना तो रवि कांटो चढ़ी ऐगे देव देवी सीता जी इन इनका कहना है ना तो इनमें बहुत सारा लोकगीत छ हमारा तो वो लोग केवल ढोल दमाऊ वादक जो छिन वही गन मतलब और लोग नहीं गन और पौड़ी माँ और चमोली गढ़वाल माँ जो छे महिला भी गान छे पुरान जमन में जो बहुत बुजुर्ग महिला छे वो गान छे और फिर जो छ यूँ लोकगीतों था जो छ
वकी छिन सबसे ज्यादा लोग है ना। केवल भाषा को फर्क छ, भाव एक ही छ। टकों को ब्यावल लोकगीत भी मिता वकी बड़ी मिल और इन्हीं लोकगीत छिन की मित मतलब हैरान हो जान कभी कभी ना। और ये जानी हो छ कि हम एक बोल दे ना केवल भाषा की फर्क छ बस। वे में एक बोल दे ना मने चिड़ी वावा जनती का लोगों देखण द्यावा धिया को दुलैया जण दोनी छौमी पछण दोनी छौमी कुभालो धिया को दुलैया के देना धूलिया रघ के देना शंख की पूजा जकी होली जकी होली सीरा पगड़ी जकी होली सीरा पगड़ी विवालो धिया को दुलैया विवालो लक्ष्मी नारायण विवालो धिया को कन्हैया। और यही लोकगीत अगर हम बक्सुनूल में भोटिया जनजाति के सुखिली जोन्याता कैसा दियो की होली सुखली जोन्याता गणेशा दियो की होली सुखली जोन्याता। भाव तो एक ही भाव एक ही। जो लोग इसको गढ़वाली जो नहीं समझ रहे हैं वो मतलब वहाँ दूल्हे को पहचानेंगे कैसे कि कौन सा जो में दूल्हा है तो वो उसकी पगड़ी के बारे में डिस्क्रिप्शन है आगे पीतांबरी धोती भी आगे सब आता है सब आता है उसके पूरे पहनावे के बारे में। तो वो एक प्रकार से नारायण का रूप है राम का रूप है कहीं इस प्रकार से वो बहुत अच्छा मतलब। और ये सब चीज जो है ना माता पार्वती और भगवान शंकर ने ही जो मनुष्य को जीना सिखाया तो उन्होंने ही उन्हीं के ऊपर सारे लोकगीत भी वही हैं। माता पार्वती जब अपने ससुराल जाती है तो वो जो हिमवंत राजा जो गढ़वाल पहले नाम गढ़वाल का हिमवंत था हिमवंत जो यहाँ का राजा था उसने अपनी बेटी के लिए बेटी से कहा कि बेटी तुझे क्या क्या चीज़ चाहिए तू मुझे बता मैं सब भेजूँगा सोने की चांदी की तेरे लिए डोली बनाई हुई है ये है सो है दुनिया भर की चीज़ें। उन्होंने कहा पिताजी इस सोने चांदी की डोली का क्या करूँगी मैं अरे लकड़ी का डोला बनाओ मेरे लिए अगर टूटेगा भी तो रास्ते में बनवा लूँगी मैं भाई किसी से क्या पड़े हो मैं तो वहाँ जाना है कैलाश पर्वत पर बर्फ ही बर्फ है वहाँ वहाँ बिल्कुल झोपड़ी में रहूँगी मैं यहाँ क्या करूँगी मैं इतना सामान का मुझे नहीं चाहिए वहाँ कुछ नहीं मेरे स्वामी शंकर का वास ही बहुत ऊँचे पर्वत पर है मैंने क्या करना वहाँ जाके बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उसने ही सिखाया कोई दहेज नहीं कोई कुछ नहीं चाहिए भाई है ना। तो इस तरह से जो है क्योंकि अब वो वही रीति जो है फिर मनुष्य ने अपनाई और तब क्योंकि माता मैणावती मैं तो मैणावती तो पता ही नहीं चाहिए ना मैणावती को थोड़ा पता था कि दामाद कौन है मेरा ये तो आजकल सीरियल उरियल में बता देते हैं मैणावती खुश होकर जा रही है दामाद को लेने ऐसा नहीं है भाई बिल्कुल नहीं है ऐसा क्योंकि लोकगीतों में कभी झूठ नहीं होता लोकगीतों में यथार्थ उकेरा गया है उसमें माँ बुरी है तो माँ बुरी बताई जाएगी और अच्छी है तो अच्छी बताई जाएगी आगे बढ़ते हैं ना। और मैं जरिए इसको बता दूँ ओला कि माता मैणावती भी वहाँ पर ऐसी बोलती है ना माता मैणावती स्या दिली ठाड़ी रेगे को हो लो बर माँ मेरी धिया को जवाई को हो ला जब वो बोलते हैं कि वो जो है कभी माता मैणावती स्या नारायण न्याला दी मतलब देखती है किसी हो लो बरमा मेरी धिया को जावाई या जब बता देता कि नहीं ये नहीं वो तब वो बेहोश हो जाती ये है वहीं से ही शुरू है ये सब चीज़ वो सब चीज़ें। तो अभी तक हम लोगों ने लोक गीत और
मांगल के बारे में बात करी। आपकी पुस्तक में आपने जो अपना प्रकथन शुरू में दिया है उसमें मार्गी संगीत, देशी संगीत, शास्त्रीय संगीत, भाव संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, ये सारे आपने उसमें जो भिन्न भिन्न प्रकार के उसमें भेद हैं, तो मेरा प्रश्न आपसे, क्योंकि आप शास्त्रीय संगीत की भी बहुत ज्ञाता हैं, हमारे जो जैसे सामवेद से और सारा जो शास्त्रीय संगीत का जो निकलना है, एक प्रकार से उत्पत्ति है, वो एक भक्ति और हमारे धार्मिक जो ग्रंथ थे उनसे निकला हुआ संगीत है, और उसी से फिर ध्रुपद निकला जो पुराना जो असली वो था, फिर मध्यकालीन में आके फिर जब ऐसी परिस्थिति आई तो बाहर के कुछ और लोग आए, उनका उसमें मिश्रण हुआ, तो फिर ख्याल निकला। तो हमारे जो क्षेत्र है, हम अगर जो देखें कि ये कहा जाता है कि दिल्ली में औरंगज़ेब के बाद फिर थोड़ा सा संगीत में गड़बड़ा गया था, क्योंकि उन्होंने उसको बैन कर दिया था, और फिर ये इर्द गिर्द जो घराने बने फिर वो थोड़े दूसरे शहरों में बने, जैसे जयपुर में, ग्वालियर में, लखनऊ में, बनारस में। तो इस प्रकार की जो शास्त्रीय जो संगीत है उसका हमारे उत्तराखंड में, एक कारण तो ये हो सकता है, हमारा लोक संगीत तो बहुत भीषण है, लेकिन जो शास्त्रीय संगीत है अगर जो हम देखें वो घराने, क्योंकि एक तो ये था कि वैसा मजबूत राजा हमारे यहाँ कोई, उतनी समृद्धि नहीं थी कि उस प्रकार से पैट्रनेज जो देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो जो जैसे बनारस में या जयपुर में उन जगहों में वो फिर आगे बढ़ता चला गया। तो हमारे यहाँ उस प्रकार के पारंपरिक जो घराने थे उसका कोई वो नहीं हुई यहाँ अपने क्षेत्र में, नहीं बनी, उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? देखिए, संगीत ऐसी चीज़ है ना कि जब प्रलय हो गया था संसार में, और प्रलय के बाद जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले ओम शब्द उत्पन्न हुआ। ऐसे अभी भी आप किसी पर्वत पर चल जाओगे, बिल्कुल वीरान उस जगह पे, तो आपको वहाँ पर गुंजायमान होगा ओम शब्द का, आत्मसात करेंगे आप उसे। तो ये मैंने खुद देखा है इसलिए बोल रही हूँ मैं। और सबसे पहले जब ओम शब्द उत्पन्न हुआ तो ऐसे ही सुनाई दिया। तो संगीत की उत्पत्ति कहाँ हुई? वहीं हमारे बद्रीनाथ क्षेत्र में, माणाशाली। सबसे पहले संगीत की उत्पत्ति, ओम ही तो संगीत है, ब्रह्मा विष्णु महेश ओम। आज हम तानपुरा मिलाते हैं उसमें भी ये है, ठीक है। तो हमारे जो पूर्वजों ने जो सबसे पहले लोकगीत वो करा होगा, देखा होगा सबसे, आहा कितना बढ़िया, जब बोलना शुरू करा होगा तो भैया आहा, फिर गाना शुरू करा उन्होंने, फिर वो जब खुश हो गए तो दे दनादन तबले। कभी सबसे पहले हमारे यहाँ ये ढोल दमाऊं में जो 36 वाद्य यंत्र ढोल सागर में कहे गए हैं, सबसे पहला वाद्य यंत्र कौन सा है? ढोल नहीं, सबसे पहला वाद्य यंत्र है जबान। जबान है सबसे पहला वाद्य यंत्र। अब उस समय थोड़ा सा ढोल डाल, उस समय तो जबान ही, जब उसने बोलना सीखा हो गया, फिर खुश हो गया तो टक 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 टक, फिर अपने पैर को ऐसे मार रहा मनुष्य ने। और उसके बाद जब पराकाष्ठा हो गई खुशियों की तो नृत्य शुरू हो गया। तो गायन, वादन, नृत्य, तीनों कलाओं के समावेश को संगीत कहते हैं। संगीत कभी अकेला नहीं होता, उसमें तीनों कलाएं होती हैं, और कभी संगीत मैं करके नहीं होता, हम करके। शेर है संगीत, बकरी नहीं है संगीत। और संगीत कहता है कि सब सर्व वसुधैव कुटुंबकम, यही तो है। मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे आप देखें भीमसेन जोशी जी हुए है ना, अब वो एक ध्रुपद के पंडित हुए और एक परंपरा है जिसको उन्होंने, हमारे क्षेत्र में इस प्रकार के नामी शास्त्रीय संगीतकार जिनका
इस प्रकार से पूरी पर, या जैसे पंडित जसराज हुए, हमारे इस क्षेत्र में उनका ना होना या उस प्रकार की परंपरा को का उत्पत्ति ना होना यहाँ पर, उसका क्या कारण रहा होगा? अब देखिए, एक तो यहाँ पर बाहर से भी लोग आ गए थे हमारे उत्तराखंड में, ठीक है, फिर यहाँ से पलायन भी हुआ। अब जो है, जब शास्त्रीय संगीत का, शास्त्रीय संगीत तो अंतिम विधा है, क्योंकि उसको विद्वानों ने नियमबद्ध करके उसका नाम रख दिया राग दुर्गा। अब वो लोग जब यहाँ पर आए तो विषम परिस्थितियाँ हैं, यहाँ पर कौन रुकेगा? अभी नहीं रुक रहे हैं तो उस जमाने में तो और भी ज़्यादा खतरनाक था। तो अगर वो लोग विद्वान यहाँ पर आए होंगे, उन्होंने देखा होगा, आहा कितना बड़ा, सारे ग प ध सा द प ग रे सा, आहा कितना बढ़िया लोकगीत है ये, जिया बे नागीना जिया ढोल बाजे, आहा कितना बढ़िया है, ऐसा ये पांच स्वर हैं इसमें, अरे कितना सुंदर है ये। उन्होंने उसका नाम भूपाली रख दिया, वो चले गए बाहर, सबको सिखा दिया, ठीक है, मूल कहाँ है वहाँ। फिल्मों में भी दुनिया भर के लोग गीतों से हमारी धुनें ले गए, लेकिन मूल को किसी ने नहीं छुआ। मैं भी तो एक शास्त्रीय संगीत में जब मैंने करा तो मैं भी बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन ऐसे तो सब कर रहे हैं शास्त्रीय संगीत में, लेकिन मूल को कौन देखेगा? शास्त्रीय संगीत होता है राग रागनिया, कहाँ से उत्पन्न हुई? थाट से। थाट कहाँ से आया? सप्तक से। सप्तक कहाँ से आया? स्वरों से। स्वर कहाँ से आए? श्रुति से। श्रुति कहाँ से आई? नाद से। नाद ब्रह्म कहाँ से आया? ब्रह्मनाद। कहाँ से आया? नाद ब्रह्म। नाद से, ठीक है। नाद भी दो प्रकार का होता है, एक आहत नाद, एक अनहद नाद। अनहद नाद वो करते थे पहले जो ऋषि मुनि थे, और आहत नाद कहाँ से उत्पन्न हुआ? हमारे यहाँ से, ओम शब्द जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई आहत नाद के रूप में, जब किसी चीज पर आघात करके जो नाद उत्पन्न होता है वो कहता है, हाँ जिसमें फ्रिक्शन, वो है नाद से उत्पन्न हुआ। नाद कहाँ से आया? आम जनता से, लोक से, लोक से। अब लोक से ही जो है, तो मूल क्या है? लोक। जब माँ बाप ही नहीं बचे तो फिर क्या बचा? जब मूल ही नहीं बचा तो क्या बचा? उन्होंने हमारा जो है, हमारे पहाड़ी लोकगीत, उन्होंने पहाड़ी राग बना दिया, वो ऐसा था जिसमें 12 स्वर लग सकते हैं, कोई भी लग सकता है। अथर्ववेद में ये उल्लेख मिलता है कि औषधि प्राप्त करने के लिए जो वैद्य और भिषज होते थे, वो वनस्पति से जब औषधि मांगते थे तो पहली रात को या पहले दिन में उससे जाके रिक्वेस्ट करते थे, अभ्यर्थना करते थे कि हम आएंगे। ये नहीं यूं बीच हमारे जो न्यूतेर से कि हल्दी बाड़ी मारू साल मंजेठी कुंडू, यूं सब न्यूतेर भेजना, और सगुन वाचन थे कागा और सोन पंखी सुवा, स्वागवंती नारी होते हैं, चारवंती नारी होते हैं, हाँ, ना हाँ। तो प्रकृति के और इस फ्लोरा फौना के इनविटेशन में, मतलब आपको ये जो हमारा प्रकृति या कुदरत का प्रेम है, तो मंगल गीतों में आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, प्रकृति की गोद में जब हम बैठे हैं तो चारों तरफ वही है। माँ की गोद में जब बच्चा बैठा हुआ है तो माँ माँ ही तो बोलेगा वो, तो हर चीज़ में प्रकृति स्वाभाविक है, स्वाभाविक है उसमें, तो है ना। बाले बाले शागुन बाले 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 शागुन बाले, पहली न्यू तो, पहली न्यू तो वेदामुखी बरमा, पहली न्यू तो, पहली न्यू तो वेदामुखी बरमा हे, तब न्यूति तब न्यूति मंगले रनारी, तब न्यूति तब न्यूति मंगले रनारी। मतलब पहला इन्विटेशन जो है वो पंडित जी
तबन्युति बढ़ाई को बेटा तबन्युति बाजगी को बेटा हे तबन्युति तबन्युति हल्दी की बाड़ी है आज चैंदा पिताजी आज चैंदा पिताजी हल्दी कारिया आज चैंदा पिताजी हल्दी कारिया है तबन्युति मंजीठी की बाड़ी तबन्युति मंजीठी की बाड़ी है तब चैंदा पिताजी आज चैंदा पिताजी मंजीठी कारिया आज चैंदा पिताजी मंजीठी कारिया न्यूता माजी दुबला की बाड़ी न्यूता माजी दुबला की बाड़ी आज चैंदा माजी आज चैंदा माजी दुबला कारिया आज चैंदा माजी दुबल कारी आए। अब इसमें जो है इंट्रोडक्शन कर दिया जाता है। हाँ ये जो है ये जो बच्चा है यो 5 साल का बच्चा ले जामिया पर दगड़ी रहे नाम बता इंग नाम से स्नेही उनियाल बहुत बढ़िया बेटा अरे मेर भाई छूट भाई बेट छे मैं पर दगड़ ले छे दई आ उ बरी मिनी त सिखे छे उड़े उड़े रे मारा काड़ा रे कागड़ा जे दे मारे पियू जी घर आवे जे दे मारे पियू जी घर आवे खीर खांड ला जी मण जी माऊ सोने की चोंच पढ़ाऊ कागा जे दे मारे पियू जी घर आवे बैठ कागा हारिया बीरी छ बोल कागा चौदी सगुना द्वे दुलु कागा दूध भात पूड़ी द्वे दुलु कागा सुना की ठूंडड़ी वो भी यही बोल रहे हैं कि तेरे सोने की ठूंडड़ी देंगे और वो देंगे तेरे को दूध भात पूरी देंगे तेरे को पर तू सगुन बोलो सुवा पिंजरी को सुवा लो या सुवा तू स्वागिण्यो न्यू तो दे आ सुवा तू स्वागिण्यो न्यू तो अब देखो कितना बढ़िया है सुवा मतलब तोता सुवा मतलब तोता तोते को भी भेजा जाता है शगुन वाचन के लिए या उनको न्योतने के लिए तो हर चीज न्योती जाती है एक एक तिनका उनका एक सब चीज फेरे वाला सुना दीजिए जरा
तेरे वाला सब पहलो फेरो फेर लाडी तू ना छे तू आरी फेर लाडी वे बाबों की प्यारी हेरी फेरी बैया पकड़ ले हेरी फेरी बैया पकड़ ले डगमग नाही टलाडी डगमग रलाडी कन्या छे कुंवारी हमारे गाँव कुकुरो भू क्यों चा ब्योला को बुबा कूड़ा लू क्यों चाहे हमारा गाँव हमारा गाँव कुकुरो भू क्यों चा यूं को बच्चों का एक बार इंट्रोडक्शन हाँ। नाम से बोल दीजिएगा फिर बैठ जाएंगे बताओ बच्चों अपना नाम शिवरंजनी डबराल और श्री रंजनी डबराल ये म्यूजिक में एमए हैं दोनों बच्चियां और बगावत में और भारत की ज्यादा से ज्यादा 5-6 लड़कियां होंगी महिलाएं होंगी जो ये पखावज बजाती हैं और 2 उसमें उत्तराखंड की अभी इसमें देखिए पर अभी ये अपना काम वो कर रही है पीएचडी के लिए भी इन्होंने अप्लाई करा हुआ है पति गणेश देना हो या
सतीना पांचा कीदार जो जस बहुत अच्छे। अब देखिए कोई कमी है क्या? कितना बढ़िया हमारे ढोल और वो सब एक जैसा है। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया। अब इसी में जो किए, जरा मैं आपको एक थोड़ा सा एक उदाहरण और देना चाहूँगी। मैं कह रही थी ना वो रुद्र ताल में निबद्ध है, रहमासी को फूल है। तो रहमासी को फूल नहीं होता, वो रह तो अलग है, वो विस्मय आदि बोधक शब्द है। अरे मासी को फूल, वो कैलाश पर्वत पर होता है वो, और भगवान शंकर को ही अर्पित होता है। तो रे मासी को फूला हरी कुंजा, रे मासी को फूला हरी कुंजा, के मैं नाम ललो हरी कुंजा, के मैं नाम ललो हरी कुंजा। ये है, ये 11 मात्रा में निबद्ध है और ये तीव्र उसमें बजा रही हैं रुद्रताल। एक बार वैसे ही बजाओ बच्चों, ये देखिए रुद्रताल है, 11 मात्रा की ताल है। और यही जब लोकगीत हम गाते हैं 12 मात्रा में, तो देखिए 4 ताल बजाएंगे। रे मासी को फूला कविला सा, रे मासी को फूला कविला सा, के मैं नाम ललो कविला सा, के मैं नाम ललो कविला सा, वे चेता मोललो कविला सा, वे चेता मोललो कविला सा। हमें संगीत, लोक गीत और बहुत सुंदर वाद्य यंत्र यहाँ पर अभी हम लोगों को सुनने के मिले। अब हम चाहेंगे यदि कोई किसी के ऑब्जर्वेशन हो, प्रश्न हो, कोई और आपसे इस संदर्भ में या कोई और बात सुनना चाहें, तो आप कृपया अगले 10 मिनट हम लोग इसको दे सकते हैं। आप सभी को मेरा कार्यक्रम और अभी कुछ दिन पहले दीदी से मुलाकात की हुई और तब मैं ये प्रश्न पूछना भूल गई थी, ये मांगा से थोड़ा बढ़कर है लोकगीतों पर ही है। एक बार मैं आर्टिकल कोई लिख रही थी तो मैं हमारे लोकगीतों में स्त्री पहाड़ की जो स्त्री है किस रूप में आती है, वहाँ उसकी खुद नजर आ रही थी, वो पक्षियों से संवाद कर रही है, बात कर रही है, तो मुझे वहाँ स्त्री साहस के गीत कम मिले। तो मैं, क्योंकि दीदी ने लोकगीतों पर बहुत काम किया है, तो मैं दीदी से पूछना चाहती हूँ कि स्त्री साहस के कौन कौन से ऐसे गीत हैं, अगर आपको मालूम है तो आप मुझे जरूर बताएंगी। इसका मुझे बहुत काम मिले, खुद पे बहुत मिले, पक्षियों से संवाद, जंगल की बात हो रही है, लेकिन उनका जो साहस है बहुत कम गीतों में मुझे दिखाई दिया। तो ये मेरा दीदी से प्रश्न है कि अगर ऐसे गीत हैं तो मैं जानना चाहती हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है। स्त्री साहस, स्त्री साहस की तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, और उसमें जो है जैसे रामी बौराणी है, बोल बौराणी क्या तेरो नौचा, बोल बौराणी कख तेरो गौचा, बोल बौराणी क्या तेरो नौचा, बोल बौराणी कख तेरो गौचा। तो वो बोलती कि सेठू की बेटी छौ रामी नौचा, और वही उसका पति आया हुआ है। हाँ, वही तो है, वही साधु बन के। हाँ, साधु बन के सालों बाद आया वो, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में कहीं गया था वो, और वहां से इतने सालों बाद आया, और वो बेचारे अपनी, हाँ, अब उससे साधु बन के पूछ रहा है कि देख तो, हाँ, उसकी परीक्षा ले रहा है, मतलब वो खुदाई कर रही है खेत में, उससे कह रहा है
क्या फायदा तेरे खेत में काम करने से जब तेरा पति यहाँ नहीं रहता और तेरा कोई भी नहीं है, तो दूसरों ने खाना है, क्या फायदा दूसरों के लिए मेहनत कर रही है। तो बोलती कि जोगी जोगी हुए की भी आँखी नी खूली करू बैठली तेरी दीदी भूली, जोगी हुए की भी आँखी नी खूली चलू बैठली तेरी भूली भूली। जादू क्षेत्र जोगी जाई ले दी, नहीं तो बस तेरे पीछे मैं डंडा तेरे को मारूंगी वाला भाई, दराती से मारूंगी तेरे को। भागता है कि नहीं भागता तू यहाँ से? तब भागता है वो, अपनी माँ के पास जाता है और उससे बोलता है कि माँ मुझे जरा खाना खिला दे, मैं भूखा हूँ। तो हम वो जो अतिथि सत्कार तो करना ही था, जब उसने भिक्षा मांगी भाई वहाँ पर, तो माँ फिर बहू को बुला रही है कि बेटी जल्दी घर आ, यहाँ पर एक साधु आया हुआ बेचारा भूखा है, उसको खाना बनाना है। तब वहाँ से आती है वो और फिर अपने माँ से बोलती कि ये जोगी के लिए मैं खाना नहीं बनाती, ये बहुत इसने मेरे को बहुत खरी खरी बोली हैं गंदी गंदी बातें। तो वो माँ बोलती कि वो कहता है ना कि इधर उधर मत कर, तू मेरे साथ बैठ के जरा दो बातें करेंगे। उसने कहा खबरदार मैं किससे बात नहीं करती। और तब वो उसकी माँ वो सास बोलती है कि बेटा खाली हाथ नहीं भेजते, चाहे तू कैसे भी बना पर बना दे, अतिथि को ऐसे नहीं भेजते भूखा। तब वो पूरा खाना वाना बनाती है और उसके बाद मालू के पत्ते में उसको खाना दे देती है। तो वो बोलता है कि नहीं खाती, नहीं खाता मैं, खांदू छे जोगी ता खाई ले दी, नी खांदू जोगी ता जाई ले दी। तेरे जैसे बहुत भतेरे यहाँ पर जोगी घूमते रहते हैं, मुझे नहीं देना तेरे को अपने पति की थाली में खाना, खाता तो खा नहीं खाता तो मत खा। तब वो अपनी बात बताता अपनी माँ से कि मैं तेरा ही बेटा हूँ माँ, इतने साल बाद आया मैं। तो ऐसा है क्या नहीं है, धकी धे धे तीलू धकी धे धे धकी धे धे तीलू धकी धे धे आहा तीलू रौतीली क्या नहीं है। हाँ सेना से संबंधित भी है, क्या है वो है गणेश वाला। हाँ हाँ झांगुरा की बोट गणेशी, झांगुरा को बोट झांगुरा को बोट गणेशी, झांगुरा को बोट मैं जादू लड़ाई सिपणी, मैं जादू लड़ाई सिपणी, छोड़ मेरो कोटा तेल की कढ़ाई सिपेजी, ती कढ़ाई तेल की कढ़ाई सिपेजी, तेल की कढ़ाई तुमरा वादों घर सिपेजी, तुमरा वादों घर सिपेजी, मैं जादू लड़ाई तुमरा वादों घर सिपेजी, मैं जादू लड़ाई झांगुरा को बोट की पैणी, झांगुरा को बोटा मैं जादू लड़ाई सिपेणी, छोड़ मेरो कोटा। ऐसा है, बहुत बढ़िया। और कोई आइए आइए जोशी जी आइए कृपया, आदरणीय देवेश जोशी जी। सभी को मेरा नमस्कार। और आज की जो हमारी लेखिका हैं आदरणीय माधुरी दीदी जी को बहुत बहुत बधाई इस मंगल गीतों के संकलन के लिए। इससे पहले मैंने मेरा सौभाग्य रहा कि दीदी जी की मैंने लोकगीतों का संकलन पहले भी पढ़ा, जो पुरानी किताब थी, और मैंने बहुत सारे संकलन पढ़े हैं गढ़वाल के और कुमाऊं के जितने भी लोकगीतों के संकलन सब पढ़े हैं। पहली बार दीदी जी की किताब के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, वो पिसे पिसाए को दोबारा नहीं पिसा गया, जो इनका पहला वाला लोकगीत।
ओरिजिनलिटी। सौभाग्य से मुझे एक दूरदर्शन में एक कार्यक्रम में दीदी जी के साथ भाग लेने का मौका मिला था। इन्होंने दो लाइनें सुनाई थी, चमत्कारिक पंक्तियां थी। और आज हम सब लोग जानते हैं कि इगास जो है हमारी राज्य सरकार ने वो राजकीय अवकाश में घोषित कर दिया, लेकिन इतना आसान काम नहीं था। वर्षों से हम लोग इसको समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जस्टिफिकेशन इतना आसान नहीं था। तो वो दो पंक्तियाँ बहुत तड़प थी हमारे अंदर कि किस तरह से हम जस्टिफाई करें इगास को। दीदी जी के गीत का मैं उनसे निवेदन भी करूँगा कि वो पंक्तियाँ उसके गाएँ, बैला बांझों की इगास जो आपने सुनाया था। तो इगास क्या है, हर कोई कहेगा भाई तुम्हारे पास तो पहाड़ियों के बाद फुर्सत ही फुर्सत होती, 10 बार तुम दिवालियाँ मनाते हो, है क्यों करें। सरकार में जो लोग होते थे वो कहते थे क्यों बनाए हम इगास उगार। कुमाऊं में कहते हैं 20 बगवाल, माने 20 दिन की बगवाल होती है, और गढ़वाल में 12 दिन की बगवाल होती है। तो तुम्हारे पास काम धाम तो होते नहीं है, तुम बगवाल ही मनाते रहो और हम छुट्टी करते रहें। तो जस्टिफाई करना पड़ा बैला बांझों की इगास, मतलब वो वंचितों का पर्व है। पहाड़ों की जो भौगोलिक परिस्थितियां ऐसा कि हर आदमी उसी दिन आ जाए, ऐसा नहीं कि देहरादून में किसी भी कोने से शाम को आ जाएगा, ऐसा नहीं है। पहाड़ों में नहीं आ पाते लोग, तो उनके लिए एक मौका होता कि अगर आप मेन दिवाली में शामिल नहीं हो सके तो इगास में शामिल हो जाए। तो ये सरकार ने समझा, हम सरकार के भी आभारी हैं कि आज हम गर्व से कहते हैं कि इस उत्तराखंड की जो छुट्टियों की लिस्ट है उस पर उत्तराखंड की अनुहार है, अनुहार मतलब अनुहार। यहाँ पे जो यहाँ पे डिस्कशन हो रहा था, बहुत ही अच्छे डिस्कशन सर ने और रयाल सर ने बहुत अच्छे सवाल किए, और समग्र बातें मांगल गीतों की हो गई। तो मेरा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ऐसा मैं दुस्साहस यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ कि इसके बाद कोई सवाल छूटा नहीं है, लेकिन कुछ एक्सप्लेनेशन है जो मैं चाहता हूँ, कुछ मिसिंग लिंक्स रह गए हैं उनको थोड़ा सा क्लियर किया जाए। 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि मांगल गीतों का लक्ष्य कॉमन होता है, सब समझते हैं, चाहे वो आप अवध में हों, चाहे ब्रज में हों, चाहे हिमाचल में हों, मंगल गान, और चाहे वो संस्कृत में मंगलाचरण जिसकी जैसे सर ने बात करी थी वही है, लेकिन थीम अलग होती है। थीम का ही डिफरेंस होता है कि हम कहें कि गढ़वाली मांगल क्यों अलग है। अब आपने सब लोग सुगा ने बड़ा अच्छा गाया दीदी जी ने, पहले न्यू थी हल्दा की बाड़ी, इसका लोकगीतों में ट्रांसलेशन भी नहीं होता। मजे की बात यह है, अब पहला न्यू थे हल्दे की बाड़ी, इंग्लिश ट्रांसलेशन करो लेट अस इनवाइट किचन गार्डन ऑफ टर्मरिक, व्हाट डज इट मीन, मीनिंगलेस। जो भी इंग्लिश में पढ़ेगा बोलेगा मीनिंगलेस, क्या है ये, है ना। तो हल्दा की बाड़ी की अगर आपको कहानी पीछे नहीं मालूम होगी ना, तो आप समझ नहीं सकते। और वो हल्दा की बाड़ी की कहानी ये है कि विष्णु भगवान एक बार कोई असुर उनका पीछा कर रहा था, तो हल्दी के पीछे छुपे थे, तो उसका एहसान चुकाता समाज, तुमने हमारे भगवान की रक्षा करी, हम तुम्हें सबसे पहले न्यूटेंगे। इसीलिए कहते हैं ट्रांसलेशन जो है लोकगीतों का वो कल्चरल होता। एक और चीज हमारे समाज में कहा था, हम अंग्रेजों से बड़े प्रभावित होते हैं, देखो कितने शिष्ट हैं, कितने सब भी है, लेडीज फर्स्ट की बात करते हैं। हमारी मांगल में सुना आपने, पहले न्यू थे मंगले नारी, तो लेडीज फर्स्ट हमारे यहाँ भी है, फर्क इतना है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। एक और चीज, दीदी को कितने मेहनत करनी पड़ी ल और अ के उच्चारण में। आजकल के खास करके नई पीढ़ी इनको समझने में कठिन होता, तो उनको इंग्लिश में समझाना आसान है। आप लोग जब अमेरिकन एक्सेंट सीखते होंगे तो एक साउंड आती है डार्कल, तो हमारा गढ़वाली का लॉ सीखना, तो अमेरिकन इंग्लिश का डार्कल सीखिए, आप मांगल बोलना सीख जाएंगे। एक और सवाल यहाँ पे आया था कि सर ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया, जिसपे शायद मैंने भी पहली बार मैंने सोचने का मौका मिला कि क्या हमारे यहाँ शास्त्रीय गायकों के लिए कोई राजाश्रय था, तो नहीं था। ईमानदारी की बात यह है कि शास्त्रीय भाषाओं के लिए भी नहीं था, हमारे गढ़वाल के नरेशों की भाषा भी गढ़वाली ही थी, कोई शास्त्रीय भाषा थी ही नहीं, ना हिंदी ना संस्कृत, तो गढ़वाली भाषा में ही सब चला, नेपाली और गढ़वाली का मिश्रण जो था उसी में चला। हाँ, लोक के हमारे गायक होते थे जिनको राजाश्रय मिलता था, उनको चंपू कहा जाता था, और चंपू हुड़किया बड़े फेमस हुई। और अगर हम पुराने वंशों की कत्यूरी वंशावली वगैरह जानते हैं, तो चंपू हुड़किया जो ये होते हैं इनकी मदद से जानते हैं। तो मुझे इतना ही कहना, धन्यवाद।
और अगर जो हमें 5 मिनट और हैं फिर उसके बाद हम संपन्न करेंगे, कोई और देवी सज्जन कोई आना चाहे या प्रश्न या कोई और ऑब्जर्वेशन हो तो बहुत 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 शानदार आपका, हम बहुत बहुत आपसे आप लोगों का आत्मीय उत्थान हुआ कि इतना सुंदर वार्तालाप, इतना सुंदर संगीत, वाद्य यंत्रों का जो नाद हम लोगों ने सुना। तो मैं ये आपसे अनुरोध करूंगा एक बार लेखक और गायक और हमारे पद्मश्री और जितने सारे रटन के लिए कृपया ताली बजाने का प्रयत्न करेंगे, और मैं अनुरोध करूंगा राधा जी से जो हुआ है अब कृपया धन्यवाद ज्ञापन देने का कष्ट करेंगे। आज हमारी माता सरस्वती के साक्षात उपस्थिति में माधुरी वर्षा दीदी के कार्यक्रम में वास्तव में ऐसा लगा कि सारे देवों का आशीर्वाद मिल गया। सूर्य भगवान, इंद्र भगवान सब मेहरबान रहे। बहुत अच्छे मौसम में आप सब लोगों के सानिध्य में सभी सम्मानित मित्र यहाँ उपस्थित हुए और इतना सुंदर यहाँ पे कार्यक्रम हुआ, इसके लिए मैं सर्वप्रथम तो माधुरी दीदी को और आपकी जो पूरी टीम यहाँ पे आई और जो ये बच्चियाँ जिन्होंने इतना सुंदर वाद्य यंत्र बजाए, आप सबको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और हमारे सम्मानित मित्र जो फुलवारी के सभी सदस्य हैं, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ उपस्थित होने के लिए। इतनी शीत ऋतु में भी इतना संगीत का जो संगीत से जो यहाँ पे गर्मी पैदा हो गई उसमें बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई हम लोगों को आपकी वार्ता और आपका संगीत सुन के। और मैं सिर्फ आपको धन्यवाद ही देना चाहती हूँ। आपको ये भी बताना है कि ये हम लोगों की जो श्रृंखला शुरू हुई थी फुलवारी में चर्चा, इसमें ये 9वां अध्याय है। हम लोगों ने पिछले वर्ष फरवरी से शुरू किया था और आज हम लोग 9वें अध्याय पे पहुंच गए हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा एक चर्चा का फोरम बना रहा है। भविष्य में भी हम लोग आप सब लोग जो आते हैं एक छोटे से इनविटेशन पे आप सब लोग उपस्थित हो जाते हैं, उसके लिए हम लोग हृदय से आभारी हैं। बतूड़ी जी और मैं बहुत बहुत आपका आभार।